आज हम बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आप लोगों को यह घटना जो है जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी। परंतु जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे कि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। क्योंकि अपने भारत में भी उस समय जागरूकता आ गए थे, सब लोग आजाद रहना चाहते थे। तो यह जो थे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग में बहुत से लोग एकत्रित हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, और उस समय जो थे अपने भारत में कर्फ्यू भी लागू थे। यानी कर्फ्यू का मतलब होता है कि बहुत टाइट नियम, यानी कोई जो है बिना काम से घर से बाहर नहीं जा सकता है, ऐसा नियम था। परंतु इस सब का परवाह न करते हुए हजारों हजारों संख्या में लोग जो है जलियांवाला बाग में पहुंच गए, और उसी दिन जो थे बैसाखी मेला भी थे। तो बैसाखी मेला जो थे बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए थे बैसाखी मेला को। जब सभी लोग को मालूम हुआ कि जलियांवाला बाग में सभा चल रहे है, तो वह जो है मेला से भागते हुए जलियांवाला बाग में सब पहुंच गए। वहां पर बहुत बड़ा भीड़ हो गया, भयंकर भीड़ हो गया। और जब इस सभा की सूचना अंग्रेज को पड़ी, जब इस सभा की सूचना अंग्रेजों को पड़ी, तो अंग्रेजों के उस समय जो थे जनरल डायर हेड कमांडर, वह जो है 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में आ गए, तोप बंदूक के साथ आ गए। और उस बाग में जाने के लिए, जलियांवाला बाग में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ते थे, जलियांवाला बाग में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ते थे, ये भी बहुत छोटा। तो अंग्रेज क्या किया, तो उस गेट को जो है बंद कर दिया, सब अंग्रेज अंदर जाकर के गेट को बंद कर दिया, और सबको जो है लाइन बाय लाइन लगवा दिया गया सभी सैनिक को, और बिना सूचना दिए, बिना चेतावनी दिए उस पर जो है गोली चलाने का जनरल डायर जो है आदेश दे दिया। जनरल डायर जब आदेश दिया गोली चलाने का, तो सभी सैनिक जो है अंधाधुन गोलियां चला दी। इससे भीड़ में जो है भगदड़ मच गया, कोई जो है निकल नहीं सका क्योंकि गेट लॉक थे। और ये जो है गोली लगातार 10 मिनट तक चलती रही, यहाँ पर जो है गोली लगातार 10 मिनट तक चलती रही, और 10 मिनट में जो है 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। सिर्फ 10 मिनट में 1650 राउंड यहाँ पर गोलियां चलवाई गई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। ये बहुत ही भयंकर घटना थी, पूरे भारत में उसकी निंदा किया गया। जलियांवाला बाग की घटना की निंदा जो है पूरे भारत में किया गया, परंतु इसमें बहुत से लोग मारे गए। परंतु यहां पर एक बात छुपाया गया कि कमिश्नर कार्यालय में जो मरने वाले की आंकड़ा है, सिर्फ उसमें 484 आदमी को आंकड़ा है। कमिश्नर कार्यालय में जो सूचना दिया गया मरने वालों की, सिर्फ उसमें 484 लोगों की, और घायलों की सूची में लगाया गया सिर्फ 200 लोगों की घायल होने की सूचना इसमें दिया। परंतु ये गलत बात था, सही ये था ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो है 1000 से अधिक लोग मारे गए। उस सभा में जो है 1000 से लोग अधिक मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि उस बाग में एक कुआं भी थे
जलियांवाला बाग में एक कुआं भी थे, बहुत से लोग कुआं में छलांग लगा करके जान दे दिया, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कितना ही बेरहमी से जो है मारा जा रहा है, कितना ही आतंक बचा दिया अंग्रेजों ने।